भाई इस वक्त हम पहुंच गए हैं अंसारी आंखों का अस्पताल। भाई फाइनली इस वक्त हम पहुंच गए हैं बंगाली पाड़ा फिश मार्केट। भाई सारम की फिंगर फिश बनाई हम। ये लो, ये आधा गोश्त बचता है, आधा दी फिंगर बनेगी इसका। अब ये फिंगर बन रहा है, ये देखो का वीडियो दो। ये देखा भाई, ये फिंगर फिश तैयार सारे मछली की। भाई ये देखें, ये हमने सारे मछली ली थी 2 किलो, और ये देखें ये इसके हमने फिंगर फिश के ये देखें ये पीसेस बनाए। शहरी की दुनिया, और भाई शहरी की दुनिया में एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज है संडे का दिन। भाई संडे वाले दिन आपको पता है एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी क्या होती है? शादीशुदा मर्द की जिंदगी ये होती है कि संडे वाले दिन या तो वो आपने घर के नलके ठीक करवा रहा होता है, या फिर वॉशिंग मशीन ठीक करवा रहा होता है, या फिर जूसर मशीन, ग्राइंडर, जूसर मशीन, किचन के कुछ काम होते हैं, या फिर अंडे डबल रोटी ला रहा होता है, या फिर सुबह उठकर हलवा पूरी लेने गया हुआ होता है, या फिर जो है वो कबाड़िया बाज़ार लगते हैं, या फिर इतवार बाज़ार, गुलशन बाज़ार, इतवार को अलादीन पार्क के जो बाज़ार लगता है वहाँ गया हुआ होता है फैमिली के साथ। मतलब इतवार वाले दिन जो शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी होती है वो बहुत मसरूफ़ होती है। और एक कुंवारा बंदा जो है ना वो इस वक्त सो रहा होगा, वो मंड के सोएगा क्योंकि पूरी रात उसने एंजॉय किया होगा, और 2-3 बजे तक उसकी सुबह होगी। गैर शुदा शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी, लड़के की बात बता रहा हूँ मैं। और शादीशुदा मर्द जो है वो इतवार वाले दिन में सुबह जल्दी उठेगा और अपने घर के सारे काम करना शुरू कर देगा, शाम तक उसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी काम कर करके। तो क्योंकि पूरे हफ्ते काम जमा हो जाते हैं और इतवार वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, तो सारे मर्द जो है शादीशुदा वो घर के काम करते हैं। तो ये सीन है। तो अभी सीन कुछ हमारी ज़िंदगी का ये है कि हमारी सुबह हुई है और इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, और सुबह होते ही सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं कराची की सबसे ज़बरदस्त मछली मार्केट, फ़िश मार्केट, वो है बंगाली पाड़ा। भाई मैं अक्सर बंगाली पाड़ा जाता हूँ, और ये जो है नागन चुरंगी पे बफर जोन 15A का एरिया है, वहाँ पर है बंगाली पाड़ा के नाम से एक मार्केट है जहाँ पर फ़िश मार्केट है और बड़े रिजनेबल प्राइस में और फ्रेश और अच्छी मछली मिलती है। वैसे अभी मौसम थोड़ा गर्म है, दोपहर में गर्मी है, रात में भी थोड़ा सा मौसम ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन भाई मछली जो है वो हम कहते हैं, लोग बुज़ुर्ग कहते हैं हमारे कि 12 महीने खानी चाहिए, लेकिन हमारा ये सीन है कि हम बोलते हैं अबे गर्मी में मछली, अबे यार, जबकि भाई मछली आप गर्मी में खाओ या सर्दी में खाओ, विटामिन्स का भरमार है। सी फूड्स जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी फूड्स और मछली, फिश, ग्रिल फिश, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। तो आज मेरा प्लान बना है कि हम फिश मार्केट जा रहे हैं, और थोड़ी सी मछली, बेगम ने बोला भाई ज़्यादा मछली नहीं लाइएगा, तो गर्मी है तो थोड़ी सी मछली लेने जा रहे हैं, 1-2 किलो ले लेंगे। तो मार्केट में भी देखते हैं क्या रेट चल रहे हैं, क्या सीन है। तो आज का जो प्रोग्राम ये है, लेकिन अभी मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने आई कॉन्टैक्ट, मतलब मेरी जो आँख है उसमें दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर अंसारी आई क्लिनिक है, वहाँ पर अपनी आँख चेक करवानी है, उसके बाद फिर हम मार्केट जाएंगे फिश मार्केट, वहाँ से मछली लेंगे और फिर घर आएंगे। तो आज का है व्लॉग फिश मार्केट का, आ जाओ भाई। भाई इस वक्त हम पहुंच गए हैं अंसारी आंखों का अस्पताल, और ये तकरीबन 30 से 40 साल पुराना, मैक्सिमम मेरे हिसाब से पुराना आई हॉस्पिटल है, और मैं यहां पर अपनी आंखों की टेस्ट के लिए आया हूं, चेक करवानी है भाई यहां के, आ जाओ भाई। अच्छा भाई इस वक्त मैं आई हॉस्पिटल आया था, और ये है यूपी पर अंसारी आंखों का अस्पताल, और यहाँ पर मैंने अपने आँखें चेक करवाई हैं। अच्छा मेरी जो लेफ़्ट आईज़ है ये देखें, ये इस पर जो है इन्फेक्शन हो गया, और इसकी मेन वजह ये बता रहे हैं कि भाई कचरा गया। भाई सीन ये हुआ है कि मेरे साथ कि मैं अभी 1-2 दिन पहले मैं बाइक पर टावर चला गया, क्योंकि यार गाड़ी टावर ले जाना आपको पता है सदर ले जाना अजाब होता है, तो मैं बाइक पर निकल गया था। लेकिन बाइक पर जो मेरा हाल हुआ है, मैंने हेलमेट तो लगाया हुआ था लेकिन हेलमेट का शीशा मैंने उठाया हुआ था, तो सामने पूरा रोड आपको पता है पूरे कराची जो है खड्डों फुड्डे धूल मिट्टी में हुआ है, तो वो कचरा मेरी आंखों में गया, और कल से जो है मेरी आंख दर्द कर रही थी, और अभी डॉक्टर को चेक कराया तो उसने देखा है, उसने बोला यार आपकी आंख में कचरा गया हुआ है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो मेरी आंख जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, अभी मेडिसिन वगैरह लिखी हैं, तो अभी मेडिकल से दवा लेते हैं, और अभी हम जा रहे हैं फ़िश मार्केट, तो बस चश्मा लगा के भाई व्लॉग बनाएंगे, अब मछली लेते हैं, फिर उसके बाद दवा लेते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। तो ये सीन है भाई, आँखों का ख्याल बड़ा बहुत ज़रूरी हो गया है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि जो लोग बगैर हेलमेट के बाइकें चला रहे हैं सड़कों पे, उनकी आंखों में कितना कचरा जा रहा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ।
क्योंकि मैंने तो हेलमेट लगाया हुआ था, मैं हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाता। लेकिन जो लोग बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं उनकी आंखों में कितना कचरा जा रहा होगा और उनकी आंखों का क्या हाल होगा ये मैं सोच रहा हूँ। और मेरी ज़रा सी आंख में कचरा गया और इन्फेक्शन हो गया, उनका क्या हाल होगा बेचारा होगा। तो भाई थोड़ा सा एहतियात करें, बाइकें हेलमेट लगा के चलाएं और शीशा बंद करके चलाएं। मैंने शीशा खोला हुआ था तो मेरी आंख में कचरा चला गया। और इस वक्त कराची में आपको पता है धूल मट्टी कचरा सब कुछ हो रहा है, पूरा कराची कचरा हुआ हुआ है। तो ये सीन है भाई। अभी चलते हैं फिश मार्केट, वहाँ से मछली लेते हैं, फिर उसके बाद दवा लेते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं। आ जाओ भाई। भाई फाइनली इस वक्त हम पहुँच गए हैं बंगाली पाड़ा फिश मार्केट और यहाँ से हम लेंगे मछली। आ जाओ भाई। बंगाली पाड़ा आ गए भाई। ये देखो मछली मिल रही है, ये देखो मछली मिल रही है भाई, फिश 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 फिश। ये बंगाली पाड़ा क्या सीन है, क्या सीन है? आज कम है माल, कम है माल, कम है क्या माल? अभी कम आ रहे हैं। क्यों? माल महंगा ही ना। ये माल जा रहा सामा में भाई इस वक्त। अरे 15-20 बफरदार। मिस्किनाबाद, पूरा नाम, पूरा नाम बता। बंगाली पाड़ा भाई इस वक्त बंगाली पाड़े के 15-20 बफरदार मिस्किनाबाद फिश मार्केट। ये कौन सी मछली है यार भाई? ये देखें सारम देख लें भाई। ओ हो भाई इस वक्त ये जो गली है ना, ये देखें यार फिंगर है, फिंगर भाई फिंगर ढूंढने आ रहे हैं भाई। ये जो गली है ना ये बहुत, ये गली बड़ा हड़ावड़ी मची हुई थी। ये देखें ओ माय गॉड, गर्मी में इतना रश। फिंगर है, फिंगर फिंगर फिंगर। ये कौन सी है यार? ये व्हाइट पापलेट, सुराज फिश शॉप के दुकान में। भाई व्हाइट पापलेट देख लें आप। आपको ये 300 रुपए किलो, मेरे को फोकस के बाद कोई इंशाल्लाह जानने वाला पहचान लेगा मुझे। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। और ये वाली कौन? 600 रुपए किलो, 400 रुपए मिल जाएगा भाई। ये 400 रुपए किलो कौन भाई? 400 रुपए कौन? और ये तो वो है ना मीट भाई। तो दोतर मिल गई है मुझे, लेकिन ये दोतर जो है ना एक नंबर वाइट दोतर है। क्या हिसाब है? 700 रुपए किलो। और ये मुल्ला है? मुल्ला है। मुल्ला तो यार बड़ा है यार। ये माल है, दिल वाला है, ये मक्खन है। ये देखो डोरी का मुल्ला है ये भाई। ये मुल्ला मछली क्या किलो है? 1400 रुपए किलो। और ये किले ए ग्रेड माल है, बी ग्रेड माल है, ये बी ग्रेड का 1000 रुपए किलो है। ए ग्रेड माल है। और दो तार ये 700 रुपए किलो। ये 450-400 रुपए लगाए। कौन सा भाई? ये 400 रुपए। ये कौन सी है? दो तार है ये? छोटा, ये छोटा है। फिश मार्केट में बड़ा रश है भाई संडे वाले दिन। भाई सारम के फिंगर फिश बनाएंगे हम। ये लो, ये आधा गोश्त बचता है, आधा दिन फिंगर बनेगी इसकी। एक किलो गोश्त बचेगा। एक किलो क्या निकल कहाँ जाएगा? रजिस्टर बनाएगा तो इसलिए होगा। वीडियो चालू है ना? हाँ चालू है। रजिस्टर बनाएगा आधा जाया आधा खाने का है। ये क्या बात करती? देसी स्टाइल बनाएगा, टीवी बचेगा उसका सारा। देसी स्टाइल बनाएगा ना सिर्फ 2 किलो में आधा किलो कचरा निकलेगा। हाँ खाने पीने का काम आएगा। हाँ चलो फिंगर बनाओ उसकी भाई। इसकी बना रहे हैं फिंगर भाई, इसकी सारे में हम फिंगर बनवा रहे हैं। सही है भाई। इस वक्त झींगे देखें आप, देखें कितने बड़े बड़े झींगे हैं। और ये झींगे जो हैं यहाँ पर इसके सीधे जा रहे हैं। अब ये 5 किलो झींगे होंगे तो इसमें से 1 किलो निकलेंगे, सारे जो है ये छिलके निकल जाते हैं। ये देखें
ये देखें ये फ्रेश और ये। भाई गर्मियों में क्या रेट चल रहे मछली हो गए ये तो बता दे। मुख्तलिफ रेट है भाई, सस्ते हैं या महंगे चल रहे हैं थोड़े? क्या सीन है? अभी माल शार्ट है। माल शार्ट है क्यों? मछलियां क्या बाहर भाई? हमारी ये क्या नाम था इसका मछली का? सारम। सारम फिंगर के लिए बेस्ट है भाई, फिंगर फिश बनवा रहे हैं हम सारम की। अभी ये हमारी मछली बन रही है, देखिए आप, और ये इसकी फिंगर फिश बनाएगा। ये देखो अब देखते हैं, 2 किलो की मछली ली है हमने और इसकी फिंगर फिश बना रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखो भाई इसमें से कितना कचरा, कितनी क्या चीज़ें निकलेंगी, और इसकी फिंगर फिश कैसे बनती है। ये नाम क्या था तुम्हारा? इसाक। हाँ इसाक बताएगा भाई फिंगर फिश कैसे बनेगी। ये देखो भाई, और ये बता रहा है इसाक के फिंगर फिश इसकी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे ही है, सबसे अच्छी इसी का बनते, साया भी कम होता है। अच्छा 50% निकलता है। ये देखिए भाई फिंगर फिश बन रही है। दूसरा मछली में अगर 1.5 किलो बनेंगे उसमें 1 किलो निकलते हैं। अच्छा 3 किलो में भी 1 किलो निकल जाता है। सबसे अच्छा फिंगर इसका और कैटफिश का बनता है। ये देखिए भाई किस तरह फिंगर फिश बना रहे हैं, बन तो जाता है सब मछली का पर अच्छा इसका ही बनता है। ये अभी हमारी सारी मछली का फिंगर फिश बना रहे हैं। इसको अलग कर देना ठीक है। अच्छा ये कचरा है, नाल उतार दिया, अब ये फिंगर बन रहा है। ये देखो भाई पीस, क्या पीस निकल रहे हैं भाई। ये देखो ये इसके भी खाल निकल रहा है। ये देखो भाई किस तरह फिंगर बन रही है हमारी। ये आपकी नहीं मछली की? हाँ वही मछली की। ये खाल आ गई, और ये देखो भाई पीसेस देखो आप। ये यार ये एक कांटे का होता है, उसमें कांटा तो निकला नहीं। एक कांटा है, वो तो कांटा निकाल दिया नहीं। अच्छा वो ये ढांचा है। अच्छा ये ढांचा निकल गया, ये ढांचा है, और इसमें से हमने सारी हमने फिंगर फिश निकाल ली। ये फुल पीस ली थी 2 किलो, और ये देखें ये इसके हमने फिंगर फिश के ये देखें ये पीसेस बनाए, और अल्लाह का शुक्र है हमने फिंगर फिश बनवा ली है सारी मछली की। और ये है फिश मार्केट, कौन सी, बंगाली पारा वफर जोन। भाई इस वक्त सीन ये है, बंगाली पाड़ा मार्केट आए थे और अपनी फ़िश ले ली है हमने। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज संडे का दिन है और काफ़ी रश नज़र आ रहा है मार्केट में, लेकिन मछली के जो रेट हैं वो थोड़े से ऊपर गए हुए हैं, हाई हुए हैं। इसकी मेन वजह ये है कि जिस तरह दूसरी चीज़ें जैसे मुर्गी गोश्त इस पर रेट बढ़ गए, इसी तरह जो है अब मछली के रेट भी हाई हो गए, क्योंकि जो लांचें आ रही हैं, जो फिशरी में जो मछेरे अपनी लांचे लेके फ़िश का शिकार करते हैं वहाँ पर टैक्सेस लग गए और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मार्केट में लोग फ़िश है, जो मेरी दोस्त की दुकान है यहाँ पर जहाँ से मैं मछली लेता हूँ, वो बता रहा है कि यार फ़िश के रेट बहुत हाई हो गए और फ़िश शॉर्ट है। आई मीन जो बहुत सारी दुकानें भरी हुई होती थी ना, वो अब थोड़ी खाली खाली नज़र आ रही हैं और काफ़ी रेट हाई हो गए, जिसकी वजह से पीछे से माल कम आ रहा है और जो आ भी रहा है उसके रेट हाई है। अच्छा जी फाइनली इस वक्त मैं घर पर पहुँच गया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है। आप अंदाज़ा करें कि 11:30 बजे दोपहर में मैं निकला था और इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो ये ज़िंदगी है एक शादीशुदा मर्द की, और इतवार का दिन जो है ना वो चाइना की तरह हो गया है, मतलब आता और यूँ गुजर जाता है। और ऐसे ही 3 बज गए और अभी मैं घर पे आया हूँ, और आज जो है हम फिश मार्केट भी गए थे और मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो गई है। देखें आँख जो है ना ये थोड़ी सी ना रेड हो गई है, और डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपकी आँखों में कचरा चला गया है। ये सीन है, सारी मछली की हमने जो है ना वो मछली के पीसेज वगैरह बनवा लिए हैं, और आज जो है हमारे घर में मछली पकेगी। जब मछली फ्राई होगी तो अड़ोस पड़ोस सब जगह पे खुशबू जारी होगी, क्योंकि मछली किसी घर में बनती है लोग सब जगह खुशबू जारी होती है, यहाँ तक कि बिल्ली को भी पता लग जाता है कि यहाँ मछली पक रही है। तो ये सीन है, शेयर कर दूँगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। अब आँखों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, अभी जाके मैं आराम करूँगा, खाना वाना खाएंगे तो शाम हो जाएगी और इतवार का दिन ऐसे ही गुजर जाएगा घर के कामों में। ये था आज का हमारा व्लॉग, शेयर कर दूँगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शेयर की दुनिया, और इस गर्मी में मछली के अपने ही मजे हैं भाई। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।